जय श्री कृष्णा। मान पूर्ण रसियों में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाई है कलाकंद, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए छेना। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम घर का निकला हुआ छेना लिया है। ये मैंने घर पर बनाया था और ये एकदम सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर इसका कप में मेजरमेंट करेंगे तो ये कुल मिलाकर 2 कप है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने 1 कप डाल दिया था, ये 2 कप आप देख सकते हैं 2 कप है। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ 2 कप ही मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 कप दूध लिया है। और फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच घी। और इन सभी चीज़ों को हम बंद गैस पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने गैस ऑन नहीं किया है, तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको दूध कम लगे तो इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं, वरना इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से हमने ये 1/4 कप दूध लिया है और उसके बाद अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे कुछ इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हम इस तरीके से चलाएंगे ताकि इसमें पनीर का या फिर मिल्क पाउडर का कोई भी लम्स ना रहे। तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो अब मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम चीनी लिया है और अगर चम्मच से मेजरमेंट करेंगे, जिस चम्मच से मैंने घी ऐड किया था उसी चम्मच से ये 4 चम्मच चीनी है। अगर आपको ये ज़्यादा लगे तो आप इसे कम कर सकते हैं, और अगर आपको ये कम लगे तो आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी रख सकते हैं। और कुछ इस तरीके से अब 2-3 मिनट और हम इसको पकाएँगे और ये रेडी हो जाएगा। हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है बीच में। और ये मैं फुल फ्लेम पर ही कर रही हूँ गैस की। और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे, हमें इसको छोड़ना नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हमें इस मिश्रण को ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे और इसमें अच्छे से शाइन आने लग गई है, आप देख सकते हैं। हमें इसलिए ड्राई नहीं करना ताकि जो बर्फ़ी बनाएंगे वो एकदम बहुत ही ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाली और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी, इसलिए हम इसको ड्राई नहीं करेंगे ज़्यादा। तो बस आप गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो अब हमारा मिश्रण जो है वो रेडी है। तो अब हम इसे एक अलग ट्रे में निकाल देंगे। इस तरीके से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है घी से। उसके बाद सारा मिश्रण हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। कुछ इस तरीके से हमने इसको फैला लिया है और फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम इसको काट लेंगे कलाकंद की शेप में। जो शेप आप देना चाहे वो दे सकते हैं। हम इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं और इस तरीके से। तो अब चाकू की हेल्प से हम इसको कुछ इस तरीके से काट लेंगे, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये बनाना बहुत ही आसान है, आप जब चाहे इसे बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको बनाने में। यहाँ पर मैंने जो पनीर लिया है वो घर का बना हुआ था। और इस तरीके से गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर पिस्ता लगा दिया है और ये रेडी है अब। तो आज की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।